गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी बात बनी नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मुझे लगा कि मैं मोगा पंजाब पहुंच चुका हूं। पंजाबी चलूँ या हिंदी? पंजाबी थोड़ी देर चलनी हैगी, मैनू बाली पंजाबी आउंदी नहींगी, हिंदी च आपां वाह-वाह देर गल कर पावांगे, या फिर दोनों ही चलूँ? हाँ, जब मुझे लगेगा कि हिंदी में बात करनी है, मेरा जब हिंदी में फ्लो बन जाए तो हिंदी बोलूँगा, और जब कोई बात ऐसी आ जाएगी तो पंजाबी भी आ जाएगी, क्योंकि मेरा बेसिकली जो रिलेशन है वो हरियाणा से है, तो पंजाबी मेरी मूल भाषा नहीं है, इसलिए मैं पंजाबी ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं सबसे पहले दिल से दुआ और दिल से शुक्राना करता हूँ अरशप्रीत सर का कि उनकी अपार श्रद्धा और स्नेह की बदौलत मैं आपसे रूबरू हो पाया, और सबसे ज़्यादा थैंक्स आपकी मैनेजमेंट टीम का और स्टूडेंट का जो इतनी शिद्दत और इतनी मेहरबानी से इस सेमिनार को सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। तो मेरी बात चंद मिनटों की रहेगी, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैंने आपसे करनी नहीं है, ना कोई बहुत ज़्यादा कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं सीधी सी दिल की बात कहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जो बात दिमाग से निकलती है वो दिमाग तक जाती है, और जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है। तो मैंने कुछ दिल की बातें आप तक करनी हैं, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया वही आप तक पहुँचाना है। यही मेरा मकसद है कि आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाए। बहुत प्रकार की समस्याएं हैं इस जीवन में, लेकिन ये समस्याएं हमें समस्याएं नज़र ही ना आए, हम इनसे दूर चले जाएं। लेकिन ये कहने में बड़ी सुंदर बात लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं और समस्याएं कहाँ हैं। तो मैंने कैसे ज़िंदगी को अपनी जिया और कैसे लोगों तक पहुँचा और कैसे इलाज करता हूँ, उसके विषय में कुछ बताना है। और एक स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या समस्याएँ आ सकती है या आती है आप लोगों को, उसका निदान सही क्या हो सकता है बिना दवाई के। मैं कोई दवाइयों वाला डॉक्टर नहीं हूँ, बिना दवाई के इलाज, सिर्फ और सिर्फ साइकिक पावर से, अपनी मानसिक शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक डेमो है, दो गिलास सर आगे दो गिलास मंगवा दीजिए सर पानी। हाँ जी जी। तो सबसे पहले एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा, उसके बाद ये डेमो रहेगा, उसके बाद मेरी बात। एक बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो रहा था, वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, तो वहाँ पर जिसने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था वहाँ उन्होंने घोषणा की कि यहाँ पर एक शर्त रखी जाएगी, एक तालाब है काफ़ी बड़ा, कि जो इंसान इस तालाब को पार कर जाएगा चंद सेकंडों में वो विनर होगा। और उसमें शर्त ये थी कि उसके अंदर कुछ जानवर हैं उस तालाब के अंदर जो खतरनाक है, वो खा भी सकते हैं, और जो जीत जाएगा उसे कहेगा उतनी दौलत मिलेगी, या एक मेरी बेटी है इसकी मैं शादी उसके साथ कर दूंगा। इतना कहने की देर थी कि एक नौजवान कूद पड़ा पानी के अंदर, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर उसने वो पार कर दिया। तो अब तालियां बजी, सभी लोग आए, कहते वाह जी आप तो जीत गए, बताइए आपको कितना पैसा चाहिए। कहते मेरे को बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए। तो कहते अच्छा पैसा नहीं चाहिए तो आपको शादी करनी होगी। कहता मेरे को शादी भी नहीं करवानी है। तो कहते आपको करवाना क्या है, चाहिए क्या? कि मुझे उस बंदे का नाम चाहिए जिसने मुझे पानी में धक्का दिया। ऐसा होता है जीवन में कि हम कर बहुत कुछ सकते हैं, अपार संभावनाएं हैं इस मानवीय मन के अंदर, इस दिमाग के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जो सोचते हैं वो हो सकता है, लेकिन कोई धक्का देने वाला चाहिए, कोई तो ऐसा चाहिए जो हमारी संभावनाओं को आगे लेकर जाए। तो आज इतनी समस्याएं हैं क्यों? इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे जीवन में कोई ऐसा मेंटोर नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो हमें हाथ पकड़ करके आगे का रास्ता दिखा पाए। ऐसा संभव तभी होता है, कोई इंसान तरक्की तभी करता है अगर उसके जीवन में एक गुरु है, मेंटोर है। आपने एक इंसान का नाम सुना होगा, APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन। आप जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या है, कौन है उनका मेंटोर जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया, कौन है? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ एक स्पेशल इनाम रहेगा। आप नहीं जानते, जान लीजिए, विक्रम साराभाई नाम सुना होगा, वो उनके गुरु है, मेंटोर है। आज बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया के अंदर इसरो मिशन आपने सुना होगा, इसरो का नाम सुना होगा, आप इस फील्ड से शायद ज़्यादा
ताजुब रखते हो ना रखते हो, लेकिन इसरो इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर आज बनता जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लीडर इसरो को मिले। आज नासा है ना अमेरिका का है, जो काम नासा करता है अरबों मिलियन में वो इसरो कर देता है उससे आधे बजट में वो कर देता है। और उसने क्या उपलब्धियां हासिल की वो आप बेहतर जान सकते हैं। तो कोई दो स्टूडेंट आ जाएं, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, दो स्टूडेंट। हाँ जी आप आ जाएं, जल्दी आ जाइए। हाँ आगे आगे बैठे हैं, जल्दी आ जाइए, आपने देखते रहना है। आ जाइए दो स्टूडेंट आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ वो गिलास ले लीजिए। आप सभी देख पा रहे हैं ये गिलास भरे हुए हैं, यस या नो? इनमें पानी और आ सकता है, यस या नो? आ सकता है? यस वाले कितने हैं हाथ खड़े कर दीजिए, और नो वाले कितने हैं? अच्छा कुछ एक बाकी, चलिए इसमें पानी डालिए। अब देखिए पानी डालिए, पानी आ रहा है, यस या नो? अब और आ सकता है, डालिए। अब आ सकता है, यस या नो? यस या नो? आ सकता है, डालिए। अब पानी आ सकता है? आ सकता है, डाल दीजिए। पानी आ रहा है और जा रहा है, एक मिनट दे दीजिए। अब आ सकता है, रख दीजिए, बैठ जाइए। क्या समझे, कौन बताएगा मेरे? हाँ जी जी जी, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, जी जी जी, पॉजिटिविटी। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतनी चीजें नेगेटिव होंगी, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव होगा। जी जी जी, और भी पानी आ सकता है, पूरा ग्लास पानी का पी। जी 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 जी, वाह जी वाह, इनके लिए तालियां बहुत जोरदार। एक ऐसे ही कॉलेज में एक सेमिनार था, मुझे आज भी याद है, मैंने पूछा किससे आपका क्या समझे, वहां से एक स्टूडेंट खड़े हुए और वो कहते सर मैं समझ गया। मैंने पूछा भी क्या समझ गए? कहते सर जब प्यास लगी हो ना तो पानी पीने की जबरदस्त टेक्निक गई है। ऐसा मतलब नहीं है, ये गिलास गिलास नहीं है, ये पानी पानी नहीं है, ये गिलास हमारा माइंड है, और ये पानी ये जो सूचनाएं जो ज्ञान है वो है। अगर आपका मन पहले से ही भरा हुआ है तो क्या मेरी ये बातें उसमें आ पाएंगी? आ तो जाएंगी लेकिन चली जाएंगी। दुनिया में हम इसमें सूचनाएं डालना सीख जाते हैं, क्या इसको खाली करना हमें आता है? कोई नहीं जानता। मोबाइल हैंग हो जाता है, कंप्यूटर हैंग होता है, उसको फॉर्मेट करना हम जानते हैं, उसको रीस्टार्ट करना जानते हैं, क्या इसका रीस्टार्ट का कोई बटन मिला? इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको रीस्टार्ट करना आना चाहिए, लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ साधनाओं की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो कुछ टिप्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको रीसेट करना कैसे है। तो आपने पहली बात तो यही कि ज़िंदगी में एक मेंटोर ज़रूर रहे, कैसा भी हो एक ज़रूर मना लें। और दूसरा कि आप सूचनाओं के साथ साथ माइंड के अंदर खाली स्पेस भी बनाएं। और तीसरी बात ये रहेगी कि आप साथ सी होते हैं हमारे जीवन में, 7 C's को हमेशा ध्यान में रखिए, जिसमें पहला सी है कंप्लेन करना। सुबह उठते ही मन में सबसे पहले विचार क्या आता है कि आज पता नहीं क्या होगा। ज़्यादातर स्थिति जी और हम जब जाते थे सेमिनार में, स्टूडेंट कहते सर जी आज फिर स्कूल में जाना पड़ेगा, ऐसा सुबह उठते ही कंप्लेन शुरू हो जाती है। तो ये मन का वायरस है, कंप्लेन ना निकले, अरदास निकले, जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या हमने कभी शुक्रिया अदा किया कि आज हमारा ये दिल धड़क रहा है? नहीं किया, लेकिन जिस दिन इसमें समस्याएं आती है उस दिन पता लगता है कि ये कितना कीमती है। आप जानते हैं एक दुनिया का बड़ा फैक्ट है कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारे साथ करोड़ों अरबों और भी सोते हैं, तो उसमें से 2.5 लाख लोग उठते नहीं हैं। 2.5 लाख लोग सुबह उठते भी नहीं हैं, जिनकी आँखें नहीं खुलती हैं, जिनका दिल रुक जाता है। ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि वो रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं। तो 2.5 लाख हैं पूरी दुनिया में, तो वो उठते ही नहीं हैं, लेकिन हम सुबह उठ जाते हैं, चमत्कार हुआ। इससे बड़ा कोई चमत्कार दुनिया में है कि हम सोए थे और सुबह उठ गए? कोई संभावना थी 2.5 लाख में नंबर
हमारा भी लग सकता था। संभावना है, पक्की बात है, हम भी उसी कतार में लगे हुए हैं कि 2.5 लाख लोग गए हैं, उसमें नंबर हमारा आ जाए। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। और दूसरा कि हम सुबह उठते हैं, देखते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग भी हैं 2.5 लाख में, वो भी तो आते हैं, वो भी जिंदा है। तो इससे खुशी की बात क्या है, सुबह ही जश्न शुरू हो जाता है। लेकिन जब शिकायत सुबह सुबह शुरू हो जाए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रहे, हर समय दिल से दुआ निकले, एक अरदास निकले, फिर देखिए जीवन कैसे बदल जाएगा। जीवन बदल जाता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा सी है कंपैरिजन। कभी भी जिंदगी में कंपैरिजन ना करें, तुलना ना करें कभी भी। क्या आप जानते हैं कि दो गांधी हो सकते हैं, दो भगत सिंह हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हम यूनिक हैं। और रियल मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि हर इंसान करोड़ों अरबों की रेस जीत करके आया है। क्या आप इस बात को जानते हैं? शायद जो मेडिकल लाइन से संबंधित हैं, फार्मेसी वाला कोई स्टूडेंट हो, वो इस बात को जानते हैं कि हमने जन्म से पहले अरबों खरबों की रेस जीती है। जो रेस जीता है उसी का जन्म हुआ है, जो हार गए हमारे लाखों करोड़ों भाई बहन उनका तो जन्म ही नहीं हुआ। अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो किसी अपने जो शारीरिक रोगों का डॉक्टर है या जो कोई मेडिकल साइंस का प्रोफेसर है उससे पूछिए, वो सारी तस्वीर क्लियर कर देगा। तो हम विजेता बन के इस दुनिया में आते हैं, तो कंपैरिजन हमारा हो नहीं सकता। क्या आम का कंपैरिजन केले के साथ हो सकता है? वो नहीं करते। लेकिन हम कई बार कंपैरिजन में उलझ जाते हैं कि फलाना ऐसा कर रहा है, उसके इतने परसेंट आ रहे हैं, वो तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। तो कंपैरिजन ना करें, ये वायरस है कभी भी। और तीसरा वायरस है कंपटीशन, कि कंपटीशन हो नहीं सकता दो संभावनाओं के बीच में। कंपटीशन खुद के साथ हो, दूसरों से ना हो। जब कंपटीशन माइंड में आ जाता है तो कुछ देर के लिए परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसके बाद दुख लेकर के आता है। तो कंपटीशन जिंदगी से हटाना होगा खुद के साथ, और खुद की संभावनाओं को तलाशना होगा। अब देखिए, ये सी खत्म करने के लिए मैं पहले कुछ बता रहा हूँ, वो एक ही शब्द है, पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं। हमेशा संभावनाओं को याद रखें कि हर बच्चे के अंदर अरबों संभावनाएं हैं, वो कुछ भी बन सकता है। बस उसे चाहिए एक गुरु जो उसको तराश पाए, बस वो गुरु ढूंढ दीजिए, तराशे जाओगे। मैं आज लगभग 3-4 साल पहले डिप्रेशन से ही गुजरा हूँ, जो साइकोलॉजिकली परेशानी आगे बताऊँगा वो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी की है, लेकिन किसी गुरु की वजह से मैं इस राह पर आ पाया या इससे आगे मैं कुछ कर पाया। जो काम मैंने सोचा, जो लोग हम सोचते हैं वैसा नहीं, कई बार उससे भी 1000 गुना हम ज़्यादा कर पाते हैं। हमने जो सपने भी नहीं सोचा वो हम कर सकते हैं। ये संभावना है हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर। तो कॉम्पिटिशन छोड़ के ये जो है पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। उसके बाद अगला सी आता है कंटेंडिंग। कभी भी विवाद ना करें दूसरे के साथ। हमेशा रिलेशन को ख़राब करने में विवाद और ये बहस बहुत बड़ा रोल निभाता है। दूसरे के पास अपना ज्ञान है, हमारे पास अपना ज्ञान है, तो किस लिए किसी से विवाद या बहस में पड़ना। उसके बाद एक सी आता है कॉपी करना। अब बताइए, एक ज़मीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री होती है, उसकी कीमत कितनी है? लाखों करोड़ों में। और जो कॉपी करते हैं उसी चीज़ की, तो कितनी कीमत रहती है? चंद पैसे। जो इंसान दूसरे की कॉपी करता है वो चंद पैसों में सिमट के रह जाता है। तो हमें कुछ नया करना होगा, ऐसा जो दुनिया में ना किया हो, ऐसा जो समाज को कुछ नया मिल पाए। अब देखिए, तरक्की वही लोग करते हैं जो संभावनाएं तलाशते हैं। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ने तरक्की क्यों की? क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन थे, बंद जाता था बंदा। अब ऐसा कोई उपकरण हो जो जेब में डाले कहीं बात कर लें, तो कितनी बड़ी संभावना छुपी हुई थी। जिसने ये पहला काम कर दिया उसकी तो चांदी बन गई। आज बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें काम होना अभी बाकी है। अभी असली बिल गेट्स आना बाकी है, अभी असली की तलाश है, तो वो कोई हो सकता है। अभी असली इंसान जो तरक्की किया उससे करोड़ों आगे तक तरक्की करने वाला आने वाला बाकी है। तो हमेशा संभावनाओं को मद्देनजर रखें, कॉपी ना करें। और लास्ट सी आता है कंक्लूजन। दूसरों के बारे में कभी भी निष्कर्ष पे ना पहुंच जाएं एकदम से। क्या करते हैं, कोई रास्ते जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही होगा, कर देते हैं,
एकदम से निष्कर्ष निकल जाता है मन से, तो हम छोटा सा तराजू निकाल करके पहाड़ को नहीं तोल सकते। तो कौन सा इंसान क्या कर जाए ये कोई नहीं जानता, तो निष्कर्ष ना निकालें कभी भी। तो ये सीध है, ये हमेशा ध्यान में रखें। और अब हम सीधा अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आते हैं। आप बताइए कि जब आप बीमार